हेलो स्टूडेंट्स, वो बच्चे जो इस साल 2021 में 10th की तैयारी कर रहे हैं, तो आज उनसे बात करना है कि आप लोग कैसे अपने बोर्ड के लिए प्रिपेयर करें, स्पेशली अगर मैं बात करूं मैथ्स के। देखिए बच्चे, एक चीज तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा प्लीज कि ये जो क्लास है, क्लास 10th, ठीक है, इसका बिल्कुल अलग कैटेगरी में मान के चलता हूँ, क्योंकि ये जो आपका पासिंग रिपोर्ट कार्ड आएगा, आपका ये फर्स्ट एकेडमिक रिपोर्ट कार्ड कहलाएगा मेरे हिसाब से। नर्सरी से लेके 9th क्लास तक आपने टॉप किया है, आप बहुत अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स रहे हैं, आप एवरेज रहे हैं, लोअर रहे हैं, वो आपसे कोई पूछने नहीं जा रहा है। वो नॉलेज, वो शार्पनेस, वो इंटेलिजेंस काम तो जरूर आएगी, जिनका बेस अच्छा होगा वही आगे बढ़ते हैं, लेकिन एकेडमिकली सर्टिफिकेट की अगर मैं बात करूं तो उसके कोई मायने नहीं। तो आपका जो पहला सर्टिफिकेट है, पहला जो रिपोर्ट कार्ड है, जब भी आपका रिज्यूमे बनेगा, जब भी आपका एकेडमिक रिपोर्ट कार्ड बनेगा, आप आगे प्रेजेंट करेंगे तो वो 10th से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले तो आप चीज आप सब बच्चे ये समझ लीजिए कि 10th के सर्टिफिकेट की, 10th के मार्क्स की कितनी वैल्यूज है। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज, पहले तो वैसे तो मार्क्स के हिसाब से आपकी नॉलेज और आगे सारी चीजें होती है, लेकिन बहुत सारी जो कंपनीज हैं आज की डेट में, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, वो हायर ही नहीं करते हैं, वो कैटेगराइज कर देते हैं कि हमें 10th से लेके 12th ग्रेजुएशन तक 80% वाले चाहिए, 90% वाले चाहिए, फर्स्ट डिविजन वाले चाहिए, डिस्टिंक्शन वाले चाहिए। तो एक चीज तो बच्चे सब आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस करनी। दूसरी चीज ये है, मैं आपसे ये कह दूं बेटे कि आप लोगों ने अपनी एकेडमिक लाइफ में ट्रांजिट फेजेस देखे होंगे, ठीक है। फर्स्ट टू फोर्थ एक आया था, तो फिफ्थ पे आपके थोड़ा सा आपको लगा होगा कि यहाँ थोड़ा सा चेंज आ रहा है, ठीक है। सिक्स में और ज्यादा चेंज आया था, सिक्स सेवन एट स्मूथ चले, तो नाइन बहुत ज्यादा डिफरेंट आया होगा, आप लोगों को लगा होगा। और मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि अप टू सेवन तो बच्चा अपने हिसाब से कुछ ना कुछ कर लेता है, लेकिन 9th ऑनवर्ड्स उसे सपोर्ट की जरूरत होती है, चाहे वो स्कूल के टीचर्स सपोर्ट करें, पेरेंट्स सपोर्ट करें, बच्चा खुद ज्यादा मेहनत करे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में, तो वहां से आता है। तो 10th भी उसी फेज का पार्ट है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जितना 9th में मैं अपने बच्चों से कहूँ, अगर स्पेशली मैं मैथ्स की बात करूँ, 9th में जितना वास्ट आपने सिलेबस देखा है बेटे, नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर ज्योमेट्री की स्पेशली जो मैं बात करूँ, इतना वास्ट आपके पास सिलेबस था बेटे, इतना वास्ट था कि 10th में इससे कम है, बस इतना कंपेयर कर लीजिए। आपने लाइन एंगल ट्राइंगल्स पढ़ा, आपने कॉन्गुरेंट ट्राइंगल्स पढ़ा, आपने सर्कल्स पढ़ा, ठीक है। वो जो वहां पे आपने एरियाज, पैरेललोग्राम पढ़ा, क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ा, इतने सारे टॉपिक्स भी उसमें, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स उसमें, इतनी सारी थ्योरम और प्रूफ, लेकिन मजेदार बात ये 10th में नहीं। हमेशा कोशिश ये रही है सीबीएसई की, ठीक है, और जो एकेडमिक डिजाइनर्स होते हैं उनकी, स्पेशली अगर मैं 9th 10th और 11th 12th की बात करूँ, 9th में सिलेबस ज्यादा रखा जाता है, नॉलेज ज्यादा रखी जाती है, 10th में कंपेरेटिवली कम, जिससे कि आपका बोर्ड अच्छा हो जाए, सेलेक्टेड बहुत अच्छा डिजाइन। इसी तरह से जब आप बच्चे आएंगे 11th में, तो बहुत ज्यादा आपको सिलेबस मिलेगा, मतलब 10th के कंपैरिजन में 5 टाइम्स कह देता हूँ, 5 टाइम्स सिलेबस आपको मिलेगा। जहाँ आप फिजिक्स में 4 चैप्टर कर रहे होंगे, वहाँ फिजिक्स की अपनी पूरी एक पर्टिकुलर बुक हो जाएगी, आपको पता फिजिक्स अलग ही सब्जेक्ट हो जाएगा, बहुत वास्ट हो जाता है। तो इसी तरह से 11th अपने आप में बहुत लेंथी होता है, लेकिन 12th बहुत कंसाइज हो जाता है। तो सबसे अच्छी बात तो ये 10th की अगर हम बात करते हैं कि 10th में सेलेक्टेड चीजें हैं, ठीक है। चैप्टर वाइज आप सब बच्चों को पता है कि भाई आप जब पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको ये मालूम है कि चैप्टर वाइज जो है किस एक्सरसाइज से कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आने जा रहा है, ये भी हमें पता रहेगा। सेक्शंस ए बी सी डी हमारे पास होते हैं हर पेपर में, तो हमें ये भी आइडिया रहेगा कि ये वाला चैप्टर कितने मार्क्स का, इसमें कितने क्वेश्चन। तो अब मैं आपसे बात करूँ कि आपको कैसे डिजाइन करना है। आज मैं आपसे बात करूंगा मैथ्स के अंदर, मैथ्स के मैथ्स में किस तरह से कैलकुलेशन हमारी होती है। आज आपका पूरा साल का हम डिजाइन कर लेते हैं। आज हमारा मई चल रहा है, 9 मई को हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, और वैसे तो एग्जाम्स मार्च में होते हैं, ऊपर वाला सब सही रखे, चीजें पेंडेमिक से बाहर आ जाए, एनवायरमेंट ठीक हो जाए, आपकी पढ़ाई स्मूथ हो जाए, ऑनलाइन आ जाए, प्लेटफॉर्म पे स्टेज पे आ जाए, रेगुलर हमारी स्टडीज स्टार्ट हो जाए, स्कूल वगैरह ओपन हो जाए, तो
मार्च में होते हैं, नहीं तो अगर हम मान के चले अप्रैल मई, तो मई से मई हम मान लेते हैं 12 मंथ होते हैं। तो मैं अगर आपके मैथ्स को डिजाइन करूं, मैथ्स के अंदर मैथ्स की कैलकुलेशन करूं, तो इतना मजेदार होता है उन बच्चों के लिए जो रोज एफर्ट्स करते हैं, डेली एफर्ट्स करते हैं। देखो अगर मैं आपकी कैलकुलेशन करूँ, मैं आपको दिखाता भी हूँ कि कितना ईजी है मैथ्स को पढ़ना। हमारे पास क्या है बच्चे, आप सब बच्चे देखेंगे, देखिए मैंने आप लोगों के लिए डिजाइन किया है तो इससे शायद आपको समझ में आए। हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है आपका टोटल मैथ्स। टोटल मैथ्स में आपके पास बच्चे 15 चैप्टर हैं। अगर आप बात करेंगे तो आपके पास हैं 15 चैप्टर्स, ये आपके पास 15 चैप्टर्स। और अगर 15 चैप्टर्स की आप बात कर रहे हैं तो आपके पास मंथ है 12, तो आप सोचिए 12 महीने में आपको 15 चैप्टर करने हैं। तो मजे से मैं आपसे कह सकता हूं कि आप बच्चे जो हैं एक महीने में अगर एक चैप्टर कर लें, उससे थोड़ा सा ज्यादा 1.2 समथिंग आता है, अगर डिवाइड करते हैं 15 को 12 से, तो अगर एक से थोड़ा सा आप ज्यादा कर लें तो 12 महीने में बहुत इत्मीनान से अपने 15 चैप्टर्स कर पाएंगे, है ना मजेदार बात, एक महीने में एक चैप्टर। और कुछ चैप्टर्स जिन बच्चों ने 10th स्टार्ट कर दिया होगा उन्हें मजा भी आ रहा होगा कि रियल नंबर, ठीक है, उसमें मैंने आपको मेंशन भी किया है कि अगर हम रियल नंबर्स की हम बात करते हैं बच्चे, तो रियल नंबर में सिर्फ 4 एक्सरसाइज, ठीक है, रियल नंबर में कितनी एक्सरसाइज है, 4 एक्सरसाइज हमारे पास कुल हैं। और उसमें अगर हम क्वेश्चंस की भी बात करें, देखिए इसको मैं आपको डिटेल में दिखाता हूं तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन बात यही है कि वो वाले बच्चे जो रेगुलर एफर्ट्स करेंगे उनके लिए ये बात हो रही है। जब आप रेगुलर एफर्ट्स करते हैं तभी मजेदार मजा आता है। देखिए मैं आपको दिखा, ये हमारे पास आपके चैप्टर्स हैं, ठीक है सर। अब देखो हम कितनी अच्छी बात बता रहे हैं आपसे कि आपके पास जो है बेटे बहुत ही इत्मीनान से 15 चैप्टर्स हैं और 12 मंथ्स हैं। तो हम कैलकुलेशन अगर आपको करें 12 मंथ्स में बच्चे कहते हैं ना हमसे नहीं होता, उनके लिए है ये कि हमें करना क्या है। तो 1 month में nearly 1.2 चैप्टर कर, अगर हम चैप्टर्स के हिसाब से बात करें तो ये। दूसरा अगर मैं आपसे बात करूं, आपके पास जो एक्सरसाइज हैं वो 56 हैं। कितनी एक्सरसाइज है टोटल आपकी सीबीएसई एनसीईआरटी की बुक में 56 एक्सरसाइज हैं बच्चे। और आपके पास जो वीक्स होते हैं 12 × 4 वीक्स यानी कि 48 वीक होते हैं नियर अबाउट, ठीक है जी, ये हमारे पास है। तो 51 के करीब होते हैं, हम 48 कर रहे हैं, तो आपके पास 48 वीक्स में 56 एक्सरसाइज हैं। अब मैं आपसे कह रहा हूं सर एक हफ्ते में एक एक्सरसाइज कर लें तो काम चल रहा है, आ रहा है ना मजा, कुछ नहीं करना सर, घर वालों को भी कह दीजिए, टीचर्स को भी कह दीजिए, मुझे एक हफ्ते में एक एक्सरसाइज करनी है सर, ठीक है। उससे भी आगे अगर मैं आपसे कहूं, ठीक है, ये हमने कैलकुलेट किया है आपके लिए, स्विच ऑन कर दीजिए बेटे मास्टर, ये हमने आपके लिए कैलकुलेट किया है कि आपके पास जो टोटल एग्जाम्पल्स हैं वो ये हैं आपके हर चैप्टर में, और टोटल क्वेश्चंस आपके पास ये हैं, और अगर हम एग्जाम्पल्स को और क्वेश्चंस को सबको मिला दें तो टोटल आपके पास क्वेश्चन 602 हैं। कितने भाई, 602। तो आपके पास दिन कितने होते हैं जी, अगर हम बात करते हैं 365 डेज हैं और 602 क्वेश्चंस हैं विद एग्जांपल्स एंड क्वेश्चन सब, तो अगर मैं आपसे बात करूं
तो नियर बाई दो क्वेश्चन पर डे, तो ये आपका मैथ्स है डेली का। तो अब आप सोचिए कि आप दो क्वेश्चन मैथ्स के नहीं कर सकते हैं रोजाना जी। तो इस तरह से हम आपसे कह रहे हैं। अब इसी में मैं आपसे अगर कह दूं कि बेटे अगर आप, हमने कहा है टू, तो हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पांच क्वेश्चन कर सकते हैं, जो दस क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप पांच क्वेश्चन कर सकते हैं, दस क्वेश्चन कर सकते हैं, तो आपका टाइम ठीक है टू टू या फोर, आपने टू टाइम कर दिया इसको है ना फाइव क्वेश्चन, तो आपका टू टाइम सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा बहुत आसानी के साथ पूरे साल। और अगर आपने बेटे फाइव टाइम्स कर दिया तो आपका फाइव टाइम सिलेबस हो जाएगा, आप फाइव टाइम रिविजन कर लेंगे अपने सिलेबस का। तो ये हमारे पास है। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप किस तरह से अपनी स्ट्रेटजीज बनाते हैं। ठीक है, मेरा नाम नूर नवाज खान है और मैं पिछले 23 साल से पढ़ा रहा हूँ। स्टडी पॉइंट इंस्टीट्यूट है जामिया नगर ओखला में, ठीक है, और हमने बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने की कोशिश करी है और हमने कोशिश ये करी है कि हमारा कॉम्पिटिशन अपने से हो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हमारे 100% स्कोर करते हैं और हम उनको सीधी सीधी यही स्ट्रेटजी समझाते हैं। इसमें मैं एक चीज और ऐड कर दूं बच्चे, आप सब लोग अगर समझें, जो एनसीईआरटी की बुक है उससे ही 90% सिलेबस का मतलब आपका पेपर फॉर्म होता है। सिर्फ 10% पेपर या 5% पेपर दूसरी बुक से होता है, जो बहुत सारे बच्चे डरते रहते हैं। 8th onwards, 9th onwards बच्चे डरते हैं कि सर अदर बुक्स, अगर हम बात करते हैं आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल, पीके कर्ग, एस चांद या दूसरी अदर बुक से क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, आउटसाइड क्वेश्चंस जो होते हैं, तो बेटे वो 5 या 10% है। पहली चीज तो आप अपने दिमाग में ये फिक्स कर लीजिए बेटे कि अगर आपके 90% मार्क्स सिक्योर हो रहे हैं तो एक अच्छा स्कोर हो रहा है, आपको अंदर से फीलिंग आ रही 90 out of 100 इज गुड। ठीक है, बट मैं आपसे ये कहूंगा नहीं बेटे, टारगेट आपको 100 out of 100 का करना है। तो पहली चीज तो ये भी ध्यान रखिएगा कि अपनी एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कर लीजिए, बिल्कुल भी दिमाग इधर उधर मत दौड़ाइएगा कि भाई आप जो हैं अपना जो है इधर उधर से करके कि भाई मुझे तो ये वाली बुक भी करनी है वो वाली बुक। सारी बुक्स करिएगा, सारे सैंपल्स पेपर्स करिएगा, सारे गेस पेपर्स करिएगा, बट पहले श्योर श्योर हो जाइए कि मुझे एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन आता है। तो ये चीज है, हम पूरे साल इस बार क्योंकि फिर वही लॉकडाउन है और फिर पता नहीं है कब स्कूल खुलेंगे, तो पूरे साल इस बार हम ऑनलाइन लाइव क्लासेस देने जा रहे हैं, स्पेशली 9th, 10th, 11th, 12th की और जो कंपटीशंस होते हैं उनकी। तो आपकी 10th बोर्ड वाले बच्चों के साथ भी मेरा पूरा लाइव सेशन रहेगा, तो जिस बच्चे को भी अच्छा लगे वो वीडियो को लाइक करे, सब्सक्राइब करे, मैसेज करे, कमेंट्स करे। ठीक है, मेरा चैनल के ऊपर नंबर है तो उससे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और अगर ज़रूरत होगी तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर लेंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट मेरे बच्चा, बहुत इजी है 100 out of 100 करना। जैसा मैंने आपसे बताया कि 15 चैप्टर्स हैं, 12 महीने हैं, एक महीने में एक चैप्टर का भी एवरेज रखेंगे तो बहुत ही स्मूथली बगैर प्रेशर लिए आप ना मैथ्स कर जाएंगे। ठीक है, 56 एक्सरसाइज हैं, 50-65 आपके पास जो हमारे पास 48-51 हमारे पास जो होते हैं वीक्स होते हैं, तो एक हफ्ते में एक एक्सरसाइज कर लेंगे तो काम चल जाएगा। 600 समथिंग क्वेश्चन है, 365 दिन है, महीने में रोज दो क्वेश्चन भी कर लेंगे तो काम चल जाएगा। और अगर इसको आप डबल कर देंगे, रोज 4 क्वेश्चन करेंगे तो आपका 2 times सिलेबस कंप्लीट होगा, और अगर 10 क्वेश्चन रोजाना आप कर लें तो आपका 5 times सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा विद इन टाइम। तो ऑल द वेरी बेस्ट मेरा बच्चा, गुड लक, उम्मीद यही करते हैं कि आप 100 out of 100 लेके आए। थैंक यू सो मच, बाय।